उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद सोमवार को हिंसा भड़क उठी। जगह जगह आगजनी की गई। 22 साल के रामगोपाल मिश्रा की हत्या दुर्गा पूजा विसर्जन के बाद मच रहे बवाल की बड़ी वजह है। मृतक की मां शव के साथ सड़क पर बैठी है और योगी सरकार से न्याय की मांग कर रही है। अब हाल ऐसा है कि मृतक की हत्या से नाराज गांव वाले लाठी डंडों के साथ महाराजगंज पहुंच चुके हैं। इस दौरान एक अन्य समुदाय की दुकानों और घरों को निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारी जगह जगह आग लगा रहे हैं। इसी को देखते हुए पुलिस एक्शन में है और लोगों को काबू में करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इलाके का हाल कैसा है, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। ये बहराइच जिले का वो इलाका है जहां पर विसर्जन के दौरान कल बवाल हुआ, उसमें एक लड़के की जान भी चली गई है। उसका शव लेकर उसके परिजन यहां पर मौजूद हैं। ये महसी तहसील है, वहां पर मौजूद है अपराधी है जो इस तरह की घटना किए हैं, उनका घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। और कुछ लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि इनकाउंटर के बदले इनकाउंटर होना चाहिए। यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखा दें, उसकी माँ है जो परेशान है, बेहाल है, उसको लेकर शव को यहाँ पर रुकी हुई है। यहाँ प्रशासन भी लगातार उनको समझाने का प्रयास कर रहा है लेकिन स्थिति बद से बदतर है। यहाँ लोग आक्रोशित हैं और परेशान हैं, लगातार वो मांग कर रहे हैं जो इस तरह की घटना को कारित किए हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये महसी क्षेत्र का इलाका है, यही वो रास्ता है, यहाँ से होकर विसर्जन के लिए मूर्ति को ले जाया जा रहा था और यही सचंद कदमों की दूरी पर इस तरह की घटना कारित हुई है। यहाँ पर तमाम प्रशासन मौजूद है, डीएम मौजूद है, एसडीएम मौजूद है, लगातार वो समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि यहाँ जो परिजन है वो मान जाए और शव का अंतिम संस्कार कर दें। अब ये देखने वाली बात होगी इनकी जो ये रणनीति है मनाने की प्रशासन की, कब तक क्या नाम है आप? योगी बाबा आएंगे तब यहाँ का अंतिम संस्कार आदि इत्यादि प्रक्रिया, बुलडोजर चलेगा पूरे महाराजगंज में। तो यहाँ के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि योगी बाबा आएंगे, बुलडोजर चलेगा पूरे महाराजगंज में, उसके बाद ही ये लोग शांत होंगे, फिर अंतिम संस्कार करेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी प्रशासन इसमें कब जागता है और इस पे कार्रवाई करता है। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। इससे पहले रामगोपाल के घर पहुंचे तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस ने किसी तरह भीड़ से बचाकर तहसीलदार को वहां से निकाला। रामगोपाल की पत्नी ने आरोपी के एनकाउंटर की मांग की है। मृतक की पत्नी का कहना है कि खून के बदले खून चाहिए। वहीं बहराइच हिंसा मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई और कड़े एक्शन के आदेश दिए हैं। लोकल 18 के लिए बहराइच से बिन्नू बाल्मीकि की रिपोर्ट।